हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। जिस तरीके से आप पाइथन के ऊपर MySQL को अपडेट करते हैं, रिकॉर्ड्स डिलीट करते हैं, टेबल बनाते हैं, सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही आप इसके अंदर रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करा सकते हैं। रिकॉर्ड्स इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट इनटू कमांड होता है, यहाँ पे मैंने चलाया है, आप देख सकते हैं ये इंसर्ट इनटू कमांड है। और इस तरीके से जब इसको चलाएंगे तो यहाँ पर नीचे मैंने एक मैसेज दिया हुआ है, वैल्यूज आर इंसर्टेड, यानी अगर ये चल जाए सक्सेसफुली तो इसमें मैसेज लिखा हुआ आ जाए वैल्यूज आर इंसर्टेड। अब इस डेटाबेस का जो नाम है वो ऑफिस है जिस डेटाबेस को हम यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे यूज कीवर्ड लिखा है जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसे हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, जो टेबल बनी है हमारी वो एम्प्लॉय के नाम से बनी है और उसी को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सेलेक्ट लिखा है, सेलेक्ट एस्टेक फ्रॉम एम्प्लॉय वन। तो ये आप MySQL के अंदर तो करते ही हैं, आप इसे पाइथन के अंदर भी कर सकते हैं। तो अभी इसको चलाने की बारी है, तो यहां से इसे चलाएंगे और ये अगर चल गया सक्सेसफुली तो यहाँ ये मैसेज आ गया है, ठीक है। अब हमको देखना है MySQL में जाना है, तो ये आ गए MySQL के अंदर, ठीक है। और अब हमें कहाँ जाना है, अब हमको ये देखना है कि MySQL के अंदर तो आ गए हम, हमारा जो टेबल है उन टेबल्स का क्या नाम है। तो यहाँ सो डाटाबेसेस पे जाएंगे और चलाएंगे तो यहाँ पर बहुत सारे डेटाबेसेस आपको मिल ही जाते हैं, तो इसी में एक ऑफिस नाम का डेटाबेस भी है, तो इसी ऑफिस को हम यूज करेंगे। और यूज कर लिया और इसमें देखते हैं कौन कौन से टेबल्स हैं। तो यहाँ पर टेबल्स हैं एम्प्लॉय वन और एम्प्लॉय, तो हमें किसकी बात करनी है, तो यहाँ थोड़ा पाइथन वाले कोड पे आते हैं और देखते हैं किसकी बात करनी है हमें, हमें एम्प्लॉय वन की बात करनी है, ठीक है। तो जो भी इंसर्ट करना है वो हमें एम्प्लॉय वन के अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय वन के अंदर इंसर्ट करेंगे तो पहले तो सेलेक्ट कर लेते हैं, तो यहाँ से जैसे सेलेक्ट करेंगे तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। और यहाँ पर अब हम जब इसको चलाएंगे तो आप देखेंगे कि इसमें और भी रिकॉर्ड्स इंसर्ट हो चुके हैं। देखिए यहाँ पर सैंडी, बेटी, रिचर्ड, पीटर, ये सब नाम इसमें पहले नहीं थे, लेकिन जब हमने यहाँ पे दिया हुआ है, देखिएगा जरा, पहला नेम हमने क्या दिया है, नेम ऑफ एम्प्लॉय पहला हमने दिया हुआ है पीटर, ठीक है। और यहाँ पे लो स्ट्रीट 4 है, ठीक है, एड्रेस क्या है, लो स्ट्रीट 4 कर दिया है। तो पीटर का जब एड्रेस देखेंगे हम यहाँ पे, और यहाँ देखिए यहाँ तक तो ठीक है, आप आते हैं तो यहां तक देखिए, ये यहाँ पे आइए, यहाँ राम, पुनीत, पुनीत तक तो ठीक है, यहाँ पर देखिए पीटर और लो स्ट्रीट 4 ही आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। फिर एमी है और एप्पल एसटी 652 है, तो एमी नाम का जो रिकॉर्ड है वो सेकंड वाला है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर पाइथन पे आते हैं, देखते हैं, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एमी नाम का रिकॉर्ड है एप्पल एसटी 652, ये जो है सेकंड रिकॉर्ड है। थर्ड वाला क्या है, हेना माउंटेन 21, तो इसको चेक करते हैं यहाँ पे थर्ड वाला रिकॉर्ड है कि नहीं, ये वाला हेना माउंटेन। तो ये देखिए ये थर्ड वाला रिकॉर्ड जो है हेना माउंटेन 21, तो ये देख सकते हैं ये बिल्कुल सही है और इस तरीके से आप इंसर्ट करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपको इसके कोड की जरूरत है तो कोड में आपको अपने टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर सूरत सर कंप्यूटर वाले, वहां पर दे दूंगा। और फिलहाल तो इस चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन, इसे आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ओके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।